अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, ये कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। उसके बाद हमने देखा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई चले गए और थोड़ी देर पहले जरदारी साहब खुद भी दुबई गए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो तजादाद हैं जो दोनों के मौकफ के अंदर, इस पर बात करेंगे। उसके बाद जस्टिस अतर नल्ला साहब का जो इजाफी नोट सामने आया है, ये बाकायदा चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट और सदर पाकिस्तान के ऑफिस के अगेंस्ट, कि किस तरह से इलेक्शन को गैर आइनी तौर पे ना कराकर जो एक केयर टेकर सेटअप इलीगल उसको कायम रखा गया है, इस हवाले से बहुत ही डैमनिंग किस्म के इसमें गुफ्तगु हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे गजा तनाजे पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो रिवायती मीडिया है वो बड़े ही एक खास तरीके से जब नैरेटिव सेट करता है उसको डिसरप्ट कर रहा है सोशल मीडिया। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो सोशल मीडिया ने जिस तरह से गजा तनाजे पे जो पैसे लगाए हैं बड़े बड़े सेठों ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, उनकी कैंपेन्स को बिल्कुल तलपट कर दिया, क्या ये अब पैटर्न रेप्लिकेट दुनिया भर में लोकली भी होगा? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पे भी बात करेंगे। आगाज करते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स वो दे रहे थे। बड़ी तिश्नगी महसूस होती थी कि इस हवाले से जरदारी साहब का मौकफ क्या है, क्योंकि वो अपने बड़ों को, जिनमें तमाम सियासी जमातों के बड़ों को, बाबों को इन पर्टिकुलर कहा करते थे कि अब वो घर बैठे और आराम से सियासत करें। कल हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया आसिफ अली जरदारी साहब का, और क्या खूब इंटरव्यू किया, हर सवाल जो जहन में था वो पूछा गया। उसके बाद हमने उस इंटरव्यू में से कुछ बयानात निकाले हैं जिसमें हमें बिलावल के मौकफ और जरदारी साहब के मौकफ में वाजे फर्क नजर आता है। कुछ चार से पांच ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, बिलावल साहब जो नौजवानों की क्यादत की बात करते हैं, पुराने बाबों को, ओल्ड जनरेशन को, जैसे जो नौजवान लोग अब बूमर अंकल्स कहते हैं, उनको घर बैठने की बात करते हैं, उस हवाले से जब सवाल पूछा गया तो बिलावल का मौकफ और जरदारी साहब का उस हवाले से क्या मौकफ था, जरा मुख्तलिफ सोच नजर आई हमें। अब जरा ये देखिए, ये सत्तर सत्तर साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। तो सबको कह रहे हैं, सिर्फ जरदारी साहब को नहीं कह रहे। सवाल सियासत में सीखते सीखते मुझे अभी तक सीखने में टाइम लगता है, मेरे से गलतियां होती हैं। नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। सो जाहिर सी बात है कि किसी घर में भी हम देखते हैं कि नई और पुरानी जनरेशन के अंदर ख्यालात का फर्क होता है, लेकिन ये वाजे तौर पे पब्लिक डोमेन के अंदर हम देख रहे हैं। एक सियासी जमात के अंदर क्या वालिद और बेटे की सोच एक जैसी होनी चाहिए? हरगिज नहीं। क्या सोच मुख्तलिफ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसका इजहार जिस तरह से किया जाता है, उन अल्फाज का चुनाव जो है वो क्या मुनासिब था या नहीं था, इसके बारे में जो ना तजर्बाकारी का ताना दिया बिलावल साहब को, ये टैग कह ले तो, इस फ्रेज को जो वेल रिसीव नहीं किया गया, और इसके बाद पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज्यादा इस पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। सो जो बिलावल साहब की तैयारी किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए, उनकी तजर्बाकारी, उनकी सियासत, इसके बारे में जरदारी साहब और बिलावल साहब के जो ख्यालात मुख्तलिफ हैं, जरा ये सुनिए। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पर पाबंद हूँ, जहां तक सियासी बातें हैं, जहां तक आईन की बात है और जहां तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हुआ, उसको भी ट्रेंड कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेंड नहीं है। अच्छा, इल टेक टाइम। तो जी दूसरा डिफरेंस ये है कि फैसला साजी कैसे होगी। जरदारी साहब कहते हैं कि फैसला वो करेंगे, बिलावल साहब कहते हैं कि सीसी जो है वो मजाज है। अब वो जो ना तजर्बेकारी की बात कर दी है, ये सियासी मुखालिफीन के हाथ में भी आपने बड़ा एक वेपन पकड़ा दिया है, जिससे अब ये ताने, ये टैग बिलावल को शायद आगे सुनना पड़े। इसके बाद पंजाब के अंदर बड़ी कंसिस्टेंटली पीपल्स पार्टी की पंजाब की क्यादत, जिसमें नदीम अफजल चंद साहब बड़े वोकल हैं, वो कहते हैं कि वहां पे जो फंड्स हैं, जिस तरीके से वहां पोस्टिंग्स हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही है, ये पूरा का पूरा बेनिफिट पीएमएलएन को दिया जा रहा है। प्री पोल रिगिंग तक की बात कर दी, और बड़ा एग्रेसिव बयानिया है पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन के खिलाफ। इसके बारे में जब सवाल पूछा गया जरदारी साहब से, तो जरा इस पर दिखाते हैं कि क्या तजाद है पीपल्स पार्टी के अंदर ही, चंद साहब क्या कहते हैं, और उसके मौकफ के बाद फिर जरदारी साहब ने चंद साहब को क्या कहा, जरा ये देखिए। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी सारी ढूंढ की है। मोहसिन नकवी साहब कोई बेबस है, कोई तकड़े वजीर आला नहीं। मोहसिन का एक इंडिपेंडेंट स्टांस है, उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। नदीम अफजल चंद को पता कम है। नदीम अफजल चंद को तो कुछ भी नहीं पता।
सो नदीम अफजल चंद साहब को कुछ नहीं पता, ये ठीक है, चले उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात हो सकती है, लेकिन मोर और लेस यही बात बिलावल साहब भी कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स को लेकर बिलावल का बड़ी क्लियर स्टांस है कि सिंध के अंदर एक मुख्तलिफ पैमाना है, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ पैमाना है। सो इट नॉट सो मेनी वर्ड्स जो चंद साहब का मौकफ है, यही बात तो बिलावल साहब भी कह रहे हैं। जरा सुनिए, इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो पंजाब पे भी लागू है। आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। सो बिलावल इज सेइंग कि पंजाब में एवरीथिंग इज नॉट ओके, और यही बात नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि चंद साहब को कुछ नहीं पता, तो फिर ये चंद साहब किसकी इमाम पे इतनी अग्रेसिव पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है पंजाब के अंदर, इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद एंड में जब ये पूछा कि भाई आप बार बार बिलावल साहब जो है वो बाबुओं के हवाले से जो बात कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, तो उसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा कि ये ना हो कि वो नाराज हो जाए, कहे मैं पॉलिटिक्स ही नहीं करूंगा और वो चढ़ छोड़ के चले जाए, इस खदशे का भी इजहार किया था जरदारी साहब ने कल अपने इंटरव्यू में। सुनिए, उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे, वो कहेगा अच्छा आप शासन करो मैं नहीं करता, फिर क्या करूंगा। ट्रिकी डोमेन है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज सुबह दुबई चले गए, पीपल्स पार्टी कहती है ये रूटीन का पहले से तयशुदा दौरा था। अब से पहले खबर है कि जरदारी साहब भी शायद दुबई जा रहे हैं या चले गए हैं। इन सारी खबरों की तस्दीक या तरदीद या इस पर अपना मौकफ हमें देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हैं मौजूद। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कुछ फैक्चुअल सवाल और फिर उसके अलावा बात कुछ सियासी तौर पर आपका तजिया भी लेंगे। जरदारी साहब दुबई चले गए हैं इस वक्त या आज उनका प्लान है, कि अभी क्या स्टेटस है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जरदारी साहब आज गालिबन दुबई जा रहे हैं या चले गए, इसी इसमें मतलब है कि है। बिलावल साहब की जो न्यूज चल रही थी वो बिलावल साहब कल दुबई गए थे, आज नहीं गए। अच्छा, क्योंकि उनके खैबर को मुखाक एक विजिट था, विजिट के बाद वो आए तो इवेंट टू उसी दिन रात को कराची गए। और इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद? कल दोपहर को इंटरव्यू से पहले वो चले गए थे, उनका अपना एक शेड्यूल विजिट था और वो एक दो दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है। और सुबह उन्होंने जो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्विटर तस्वीर तब्दील की, मतलब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है ना, ये इलेक्शन कैंपेन से पहले ये तस्वीर चेंज की कि बेनजीर साहिबा की आइडियोलॉजी के करीब वो है ज्यादा और वो जो मौजूदा क्यादत उसके करीब, ये क्या है, मतलब टाइमिंग इम्पोर्टेंट? नॉर्मली ये तस्वीर पहले भी इनकी डीपी की थी, बाद में भी कुछ चेंजेस हुई हैं, ये दोबारा लगाई है, तो इट्स नॉर्मल। वो मतलब आप उसको इंटरव्यू के साथ नथी करें तो और बात है, लेकिन इट्स नॉर्मल थिंग। तो हम क्या करें अगर इंटरव्यू आए और उसके बाद दो चार चीजें हो जाए तो फिर हम क्या करें? फिर आप आज खबर चलाती हैं, आप तस्दीक नहीं करती है, मतलब आपकी मुराद चैनल जो आज जो है वो नाराज होकर चले गए, बल्कि वो कल अपने शेड्यूल के मुताबिक गए, कल दोपहर को पहुंच गए। हाँ। उन्होंने वापस एक दो दिन में वापस दो तीन दिन में वापस आ जाना है। 30 को हमारा योम तासीस है क्वेटा में, 29 को उन्होंने क्वेटा जाना है और योम तासीस उन्होंने वो करना क्वेटा में खिताब करना है। तो एक नॉर्मल रूटीन विजिट था, लेकिन वो मीडिया में आज बड़ा उसमें हलचल पैदा हो गई कि जी फिर हमें ट्वीट करनी पड़ी कि जी वो अपने नॉर्मल काफी हमें देखा अग्रेसिवली आप लोगों ने इसको, फिर इस मामले को जो भी डैमेज कंट्रोल का मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं, उस इंटरव्यू में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना तजर्बेकारी का, क्या ये बेटर फ्रेज किया जा सकता था? क्योंकि ना तजर्बेकारी, आई अग्री, एक्सपीरियंस एज के साथ आता है, लेकिन अगर ये ना कहा जाए पब्लिक डोमेन के अंदर एक सियासतदान। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पहले भी चंद साल पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी बिलावल साहब सियासत सीख रहे हैं और सियासत सीख रहे होते हैं डेली बेसिस पे, आप मतलब है कि आप गलतियां करते हैं उसे सीखते भी हैं और अच्छे भी होते हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा था। उसके बाद फिर वजीर खारजा बने और वजीर खारजा बनने के बाद उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कामयाब तरीन वजीर खारजा पाकिस्तान के एक कम उम्र तरीन और वजीर खारजा भी थे और कामयाब वजीर खारजा थे। अभी भी आप देखें कि जिस तरीके से वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है कि जो कि वर्कर कन्वेंशन कर रही है, आवाम के अंदर मौजूद है, वो दाएं बाएं नहीं देख रही, आवाम के अंदर मौजूद है। और आपने देखा केपी में 6-7 वर्कर कन्वेंशन हुए और उसके बाद जो है ये चीजें जो है वो हुई है, और इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा जब वापस आएंगे तो हम सेकेंड फेज जो केपी का है और बाकी सूबों का जो सेकंड फेज कन्वेंशन का वो करेंगे, और जैसे ही शेड्यूल आ जाता है इलेक्शन का तो हम इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा ना 4-5 साल पहले भी उन्होंने तजर्बेगारी की बात की थी। देखिए, आप एक वालिद के लिए आप अगर 40-50 ईयर के भी हो जाए वालिदैन के लिए आप फिर भी बच्चे, फेयर इनफ, लेकिन एक पोलिटिकल ओपोनेंट जो कि एक सीरियस चैलेंजर है फ्यूचर का, आपका पीएम है, आपके सियासी मुखालिफिन के लिए क्या ये ना तजर्बेकारी का जो टैग है आप लोडेड वेपन नहीं दे रहे उनको क्या? आपकी नहीं, हमने आवाम के पास जाना है, आवाम ने हमें वोट देने हैं, आवाम ने हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करना है और आवाम के जरिए हमने वजीर आजम बनना है। हमें ना अपोजिशन बनाएगी ना कोई और हमें वजीर आजम बनाएगा, हम आवाम के जरिए जो भी हमें मैंडेट मिलेगा, और जैसे जरदारी साहब ने कल कहा है कि हमें कोई भी नजर ये आ रहा है कि कोई सिंपल मेजोरिटी नहीं लेगा,
इत्तेहादियों की हुकूमत होगी। एक इत्तेहाद अभी बन रहे हैं और एक इत्तेहाद बनेगा इलेक्शन के बाद। हमारा फोकस इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद। इलेक्शन में शायद हम सीट एडजस्टमेंट कुछ न कुछ जगहों पे लोकल एडजस्टमेंट पार्टी के सिंध में हर सूबे में पार्टी की जो है वो उससे मतलब है कि अप्रूवल के बाद हम शायद कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट कर लें। कोई पोलिटिकल अलायंस शायद नहीं होगा। हमारा जो टारगेट है वो इलेक्शन के बाद क्या अलायंस है पोलिटिकल पार्टीज के साथ और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है। सो ये जो मैं इसलिए नातजर्बे पकारी की बात बार बार कर रही हूँ बिकॉज इस पूरे इंटरव्यू के अंदर से इस बात को ज्यादा उछाला जा रहा है। हालांकि और बातें भी की है, मैंने उस पर सवाल पूछना है आपसे, लेकिन इसलिए क्योंकि जब ये गुफ्तगू की जाती है तो एक तासुर ये भी है कि जब अब बिलावल जब बात करेंगे गुफ्तगू करेंगे तो लोग कहेंगे जी कि आपको तो तजर्बा ही नहीं है, आपकी तो पार्टी के अंदर आपको कोई सीरियसली नहीं लेता, हम क्यों सीरियस लें आपको, ये जनरल सवाल। छोटी सी मिसाल एक मिनट की, 2008 में जब इलेक्शन हुआ तमाम अपोजिशन जमातों ने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई की हुकूमत सेलेक्ट होकर आई है। पीएमएलएन और जेयूआई ने ओथ लेने से इनकार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चल के गए कि हमने और आपने मिलकर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपने किरदार अदा करना है। उन्होंने ओथ लिया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें पीडीएम की बुनियाद रखी गई, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह बने। फिर जब पीडीएम बनी तो उन्होंने कहा सिंध असेंबली तोड़ें, इस्तीफे दें असेंबलियों से और बाहर आ जाएं। हमने कहा नहीं, हम जमहूरी अमल के जरिए आइन के मुताबिक हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे, अगर वो नाकाम होगी फिर वो हमारा आखिरी फेज है। उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, मौलाना साहब के बेटे और उनकी टीम जो है वो वज़रा बने और हमने ये एक यंग पॉलिटिशियन ने उनको एक रस्से पे लगाया और तीन मैंने फेजेस बताएं, तीनों हमारे इनिशिएटिव था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इनिशिएटिव था जो हमने कामयाबी से हमगनार हुए। ठीक है, बिल्कुल इस बात को फैक्चुअली भी चैलेंज नहीं कर रही। एक और बात जो कल इंटरव्यू के अंदर हुई वो ये थी कि टिकट जरदारी साहब ने देना है, ये सवाल इट केम डाउन टू दैट इवेंचुअली बिलावल साहब, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जो उनके इंटरव्यू सुन के और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि टिकट तो सीएसी वगैरह से मिलकर सारे तय करते हैं। सो अगर आप ये कहें कि टिकट मैंने देना है वर्सेस बिलावल की अंडरस्टैंडिंग है कि सीएसी का फैसला होगा, ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दें किसका फैसला होगा। ये देखें नॉर्मली आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में जब इलेक्शन हो रहे थे 2002 के गालिबन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और पार्टी बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, अमीन फहीम साहब उसके हेड बने। उसके बाद हमने फिर सिंगल मेजोरिटी पार्टी बने, फिर हमें तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट को तोड़ के पेट्रियॉट बनाई गई। तो अब जो नॉर्मली जो टिकट्स होती है वो हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास तीर के निशान है। ठीक है, तो टिकट्स जो है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का हम सर्टिफिकेट जमा कराते हैं तो वो नॉर्मली हमारे प्रोसेस है। डिवीजन की एक बोर्ड होता है, उसके बाद सूबे का बोर्ड होता है, उसके बाद मरकज का बोर्ड होता है। जब ये सारा प्रोसेस मरकज, पिछली दफा भी जब 2018 में मैं बोर्ड का मेंबर था मरकजी बोर्ड का, जब बिलावल साहब की सीट पे जब बात आई कि किसी, तो बिलावल साहब चेयर से यहां से उठ के सामने आके बैठ गए कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन करने उसके ऊपर तो मैं खुद अपने आप को एज ए कैंडिडेट जो है वो सीसी करेगी ना फैसला। नहीं, ये पार्लिमानी बोर्ड जो मरकज का होता है और हमें पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनके जो है वो पार्टी की तरफ से वो टिकट इशूज होती है। ठीक है, अच्छा दो तीन और सवाल क्विकली, बिलावल को बाबे इतने खटक क्यों रहे हैं? बिकॉज छह सात महीने पहले नहीं खटक रहे थे, ये असेंबली के अंदर वन फाइन मॉर्निंग आके उन्होंने और मरियम बीबी को भी कहा कि हमें पुरानी सियासत नहीं करनी, ये यकदम बाबे बुरे क्यों लगना शुरू हो गए उनको? एक्चुअली बुरे लग रहे हैं बिकॉज जिस तरह वो कह रहे हैं घर बैठे ना करें ये ना, बुरे नहीं लग रहे। उन्होंने कहा कि इनको एक किस्म का रिटायरमेंट तो नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि आप बैठे रैंगडू की पॉलिटिक्स करें, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करें, अपने यूथ को अपने जो आपकी ट्रांजिशन है उसको ट्रांजिशन करें, अपने नौजवानों को एक मतलब है कि गाइड करें। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इस पी एम एल में मरियम नवाज साहबा हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, मुन्नत सिलाई हैं, मौलाना साहब के अपने बेटे हैं जो कि वफाकी वजीर हैं, तो इनको जो है इनको मौके देना चाहिए। हम कहते हैं माजी की पॉलिटिक्स में, माजी में हमारा एक वतीरा रहा है, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उनका भी वो था कि अपोजिशन के खिलाफ पर्चे काटो जितने पर्चे काट सकते हैं, पॉलिटिकल विटामाइजेशन। पीएमएल के माजी की भी जब हुकूमत आई है अभी भी जब थी तो यही चीज थी कि जी हमने स्कोर पूरा करना, हमने भी एफआईआर काटनी है। वायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत थी 2008 से 2013 तक जिसमें कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, कोई गलत एफआईआर नहीं थी। तो इसका बाबे बन सवाल से क्या ताल्लुक है? वो नहीं, सीनियर पॉलिटिक्स की बात, वो कहते देखें अब तीन दफा ही इज वेरी एडमेंट, वो हर जगह यही कहते हैं बाबे बैठ जाएं, बाबे बैठ जाएं। देखें प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आपकी 60% ज्यादा अबव आबादी जो है वो यूथ की है, आपके 1.5 से 2 करोड़ अब जो है वोटर्स जो है वो यूथ के हैं। तो इलेक्शन फिर इलेक्शन कैंपेन है, आप यूथ के लिए यूथ है तो आप वो कह रहे हैं कि यूथ के साथ यूथ के मसाइल यूथ ही समझ सकती है, यूथ के सेंट्रेशन यूथ ही कर सकती है। सर अगर यूथ के वोट लेके पीपल्स पार्टी आ जाती है तो पार्टी में तो सारे बाबे हैं ना, फिर क्या होगा? बाबे तो नहीं करते। सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन है, बाबे का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जी सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन होता है। उन्होंने कहा जो बहुत सीनियर है अपने आप को मौका दें, अपने नौजवानों को मौका दें। मियां साहब अगर चौथी दफा भी वजीर आजम बनना चाहते हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि मैं सेलेक्ट होकर आना चाहता हूं या लाडला बन के आना चाहता हूं तो अवाम को फैसला करने दें।
عوام اگر پی ایم ایل این کو ووٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ حکمران. فرید اللہ بابر صاحب نے جو استعفی دیا ہے، ان سے استعفی لیا گیا ہے یا ان کو کنوے کیا گیا کہ اب آپ کی سیٹ کسی نوجوان کو دی جائے گی؟ یہ ایک پہلا ٹیسٹ. فرید اللہ بابر صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل تھے، اور وہ ہمارے ہیومن رائٹس کے جو ہمارا سیل ہے اس کے بھی انچارج ہیں پورے پاکستان کے. انہوں نے خود استعفی دیا کوئی ذاتی وجوہات پر، اور ہمارے ہیومن رائٹس سیل کو لیڈ کرتے ہیں، ہمارے جو کمیٹی ہے، ہمارے مینیفیسٹو کمیٹی ہے، اس کے بھی وہ ممبر ہیں، ایکٹیو ممبر ہیں. ذاتی وجوہات یہ تو نہیں کہ کیونکہ ان کے جو سیریز آف ٹویٹس گزشتہ چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ پارٹی پالیسی کے ساتھ الائن نہیں کر رہے ہیں؟ بڑا ڈفرنٹ ہے. فرید اللہ بابر صاحب جو ہے نا وہ آج کی وہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ان کے چل رہے اور ہمیشہ سے مطلب ہے کہ وہ پھر اس کے بعد دیکھیں. اس لیے ہمیں چونکے کہ اس وقت کیوں استعفی دے رہے ہوں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ان کا طریقہ کار ہے. میرے خیال میں کچھ عرصہ پہلے استعفی دیا تھا، آج نہیں دیا، کچھ عرصہ پہلے. میرے مطابق ہمیں دیر سے خبریں پہنچ رہی ہیں ساری، استعفے کی، بلاول کے جانے کی، ہم سلو ہو گئے، آپ کے ذرائع بڑے کمزور ہیں، ہمارے سابن سلو ہو گئے. یہ کہنا چاہ رہے آپ کے ذرائع کمزور ہیں. تو یہ کب استعفی دیا انہوں نے؟ کیونکہ میرے خیال میں چند دن پہلے، میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا یہ کب دیا، لیکن چند دن پہلے انہوں نے دیا تھا، اور انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو آن بورڈ کر کے انہوں نے پھر استعفی دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہیومن رائٹس کو کے سیل کو کنٹینیو کروں گا، مینیفیسٹو کمیٹی کو کنٹینیو کروں گا، اور اس سے جو ہے انہوں نے ریزائن. سو اب کیا وہاں پہ کوئی ہم نوجوان دیکھیں گے؟ دیکھیں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو وہ لے کے آتے کہتے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو لے کے آتے ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے کل بتا دیا کہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے زرداری صاحب. دیکھیں وہ دو پارٹی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے وہ سیکرٹری جنرل تھے، ٹھیک ہے، تو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے ہیڈ ہیں، تو انہوں نے ڈیسائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پنجاب کے اندر جو چند صاحب کے حوالے سے کہا کہ جی وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت پہ بیانات دے رہے تھے، کیونکہ ان کے موقف میں اور بلاول کے موقف میں مماثلت نظر آ رہی ہے. بلاول وہ کہیں کہ کیسی پوسٹنگ، آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کیسی پوسٹنگ، یہ کیسے فنڈز ہیں. سڈنلی کل ہم نے انٹرویو میں دیکھا تو زدائی صاحب نے کہا کہ وہ محسن نقوی تو ہمارا میراج بھی بچہ ہے، اور یہ آپ نہیں پتا جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے بچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو سی ایم بنایا، میرے سی ایم ہے یا چیز ہے بچہ. تو دیکھیں زرداری صاحب تو شکایت نہیں تھی نا ان سے، ہم سب جتنے بھی یگسٹر ہم سب کو مطلب کہ بچے کے کہہ کر پکارتے ہیں کہ آپ لوگ بچے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہم ان کے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ ندیم حسین کی اپنی جو بات تھی وہ جینون تھی. آج بھی میری اپنے پارٹی کے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، چودھری منظور صاحب، ان کے بھائی کے خلاف ان لیگل ایف آئی آرز ہوئی، انہوں نے کمپلینٹس کی، لیکن وہاں پر جو ہے وہاں کی انتظامیہ ان کو سننے کو تیار نہیں ہے. پی ایم ایل این کے دوستوں کے آنے پہ وہاں پہ انتظامیہ لگی ہے، انہوں نے اپنی شکایات آئی جی کے پاس اور تمام اداروں کے پاس کی ہیں، لیکن ایک جینون چیز کو بھی سننے کو تیار نہیں ہے. جب ٹرانسفر پوسٹنگ پی ایم ایل این کے دوستوں کے آنے پہ ہوگی، ہم نے یہ ریزرویشنز پچھلی سی سی میں بھی رکھی تھی، تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے آپ اختیار دیں، میں بات کرتا ہوں اس کے بعد سی سی میں. اب جب نیکسٹ سی سی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں زیادہ سے ہمیں بتائیں گے، لیکن ریزرویشن ہمارے پنجاب کے دوستوں کے ریزرویشنز ہیں انتظامیہ سے. اور دوسری بات یہ دیکھیں آپ جس طریقے سے تاثر دے رہے ہیں، جب نواز شریف صاحب آتے ہیں جو تاثر آپ دے رہے ہیں اس کو جس طریقے سے اس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، کیا باقی سابق وزیر اعظم کو وہی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب کو ملنی چاہیے. اگر ایک کو مل رہی ہے کردار میں کچھ کالا ہے. لیکن جو آپ نے شکایت بتائی، کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے شوز میں بھی آپ پہ بات کر رہے ہیں، کل جب یہ سوال اسپیسیفکلی پوچھا گیا تو یہ شکایت پارٹی چیئرمین کی نہیں تھی، یا یہ خدشات کا اظہار انہوں نے نہیں کیا کہ ایسے خدشات ہیں اور ہم اس کو ایڈریس کریں گے جیسے آپ لوگ ووکلی کر رہے ہیں، تو کیا فرق ہے کمیونیکیشن؟ فرق نہیں، ہم نے یہ شکایت پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے سامنے سی سی میں رکھی تھی، کچھ پارٹی کے دوستوں نے رکھی تھی پنجاب سنگھ کا تعلق، اور انہوں نے کہا تھا مجھے ٹائم دیں میں اس کو بات کر کے آپ کو بتاؤں. تو ہم نیکسٹ سی سی میں بتائیں گے ہمیں کہ انہوں نے بات کی ہے، کیا چیز ہے، شکایت کا ظاہر ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلی، چاہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملی یا نہیں ملی. ہم نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ میں بھی الیکشن لڑا ہے، ہم نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں الیکشن لڑے اور ہم نے جیتے ہیں الیکشنز، تو لہٰذا ہمیں ڈکٹیٹرز کے مقابلے میں الیکشنز لڑے ہیں. ابھی ہے ویسے لیول پلینگ فیلڈ، وہ مسئلے سالو، ہمیں تحفظات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب 30 نومبر کو فارغ ہوتی ہے ڈیلیمیٹیشن سے تو ہمارے تحفظات کو ایڈریس کرے گی. جب میاں صاحب پنجاب کے گورنر ہاؤس کو پولیٹیکل ڈیوٹی کی استعمال کرتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے وہ فتح خانی کے لے گئے ان کے گورنر صاحب کی جو فوتگی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جب ایک اعلی سطح کی میٹنگ وہاں پر ہوتی ہے، بہاوپور ڈویژن کی ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو بات ہے. بہت شکریہ فیصل کلیپونی صاحب، ہمارے ساتھ بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے، اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ، چارج شیٹ ہے صدر اور الیکشن کمیشن کے خلاف، الیکشن کی تاخیر غیر آئینی عمل ہوا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने जो इलेक्शन के हवाले से 90 रोज में करवाने का फैसला दिया था, उसके बाद जस्टिस अतर बिनल्ला साहब का इजाफी नोट इस वक्त सामने आया है और ये बहुत ही स्ट्रांग एक चार्जशीट है कि एक गैर आईनी अमल हुआ है और कौन कौन उसमें जिम्मेदार है, उन्हीं के जो पूरा इजाफी नोट है उसमें से हम आपको बताते हैं इसके क्या मंदरजात है। इसमें कहा गया है जी कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है, आईनो कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं, मुकर्रर वक्त में इंतखाबात आईनी तकाजा है, इंतखाबात ना करा के अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी, रजिस्टर्ड वोटर्स को हके राय दही से महरूम रखा गया, कौमी असेंबली तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है, इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 शिक 5 के तहत सदर का ही इख्तियार है, सदर की जिम्मेदारी थी कि अवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम ना रहें, इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देखकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहरा दिया है, इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इकदामात की जरूरत है, सदर या गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो इलेक्शन कमीशन को किरदार अदा करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन को आईन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता, निगरान हुकूमत सिर्फ आईन में दी मुद्दत तक के लिए होती है, रियासत 90 दिन से जायद मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती, इलेक्शन में ताखीर आईन को मुअत्तल करने जैसा है, इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात के बाद खत्म नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ने आईनी इंतखाबात की तैयारी करना होता है, गवर्नर KPK ने 90 रोज में इंतखाबात की तारीख न देकर आईनी खिलाफ वर्जी की, KP और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, लाहौर हाईकोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई चला रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद केस चलाना शुरू कर दिया, सदर ने 2 फरवरी 2023 को पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी जिससे हाईकोर्ट की कार्रवाई मुतासिर हुई, इस अमल से आया होता है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने बामानी अंदाज में सदर से मुशावरत नहीं की, 4 जजेस ने मुतफिका नोट में सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब से मुतालिक अस खुद नोटिस मुस्तरद किया, गैर मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना आईन की खिलाफ वर्जी है, अदालतों की जिम्मेदारी है आईनी खिलाफ वर्जियों पर इस्तिस्ना अंसर को आड़े ना आने दें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात को शफाफ बनाए ताकि शिकायत का मौका न मिले, अगर वोटर्स चाहें तो अपने आईनी हक न मिलने से मुतालिक कानूनी दावा कर सकते हैं। ये हम आपको बता दीजिए कि इस पूरे इजाफी नोट के अलावा जो फैसला आया है इसमें क्या कानूनी तौर पे आगे ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि कहा गया कि शायद कोई इसको चैलेंज कर सकता है तो क्या वो भी एक रास्ता है, इससे के अलावा मुस्तकबिल में आइंदा कभी ये ना हो अमल इसको रोकने के लिए क्या तरीकाकार है, तो प्रोग्राम में कानूनी हमराए शामिल करेंगे, हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मौजूद हैं, सलमान अक्रम राजा साहब सीनियर माहिर कानून है। पाशा साहब आपसे आगाज करते हैं, इसके अंदर जो साफ साफ गवर्नर्स दोनों सूबों के सदर साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन सबको कहा है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं कर पाए और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा था तो आपका काम था 90 दिन में इलेक्शन कराने का, सो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट, इसके बाद क्या ये जो पूरा तफसीली नोट है? देखें मारिया, हम तो बार बार हर प्रोग्राम में यही कहते रहे कि सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी है और सदर मुमलिकत को जिस दिन उन्होंने कैबिनेट से ओथ लिया उससे अगले दिन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए एक डेट दे देनी चाहिए थी कि फलां डेट है, वो इस बात का क्यों वेट करते रहे कि इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत करनी है, जबकि सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें उन्होंने खुद अमेंडमेंट जो की गई थी उस पर साइन कर किए थे, उसमें सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की मशावरत का खत्म कर दिया गया था और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया था कि वो, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन भी कहने लगा नहीं हमने अनाउंस करना है, ऐसा पीछे से सियासी जमातों ने उनको अपना वजन भी दिया ना, हुकूमत भी ये कहती रही बन गया ना मामला, हुकूमत भी ये कहती रही कि हमने, लेकिन जिसका इख्तियार है उसको खुद नहीं पता कि मैंने क्या करना है, उनका अपनी एक टीम है प्रेसिडेंट हाउस में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उनकी लीगल टीम के हेड हैं, बाकी फौज जफर मौज है, उनको चाहिए था कि वहां से पूछ लेते, अब क्या किया हाफ हार्टेडली उन्होंने मशावरत के लिए बुला लिया इलेक्शन कमीशन को, नो नीड ऑफ इट, फिर उन्होंने
लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा, उनको मुशावरत के बाद तारीख देनी पड़ी सर। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि बैठे हैं। मैं पहले सदर साहब की जो लेटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको नहीं लिखने की जरूरत थी, उनको लॉ मिनिस्ट्री में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको स्ट्रेट अवे अनाउंस कर देनी चाहिए थी। अब हुआ ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, ये सदर आरिफ अलवी के लिए नहीं कहा, ऑफिस ऑफ सदर के मनसब के लिए ये कहा कि जब सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो आता वहां आके बता देता जी नहीं आपके पास इख्तियार नहीं है, उन्होंने अमेरिकन सफीर को मिलना जरूरी समझा और वो नहीं आए, तो इस मनसब की इज्जत और तकरीम के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाए और वो गए और वहां जाके वो फिर जब दस्तखतों के बगैर एक लेके आए तो उन्होंने कहा नहीं सदर के भी दस्तखत करा के लाए। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैं ये समझता हूं कि सदर साहब ने और गवर्नर जो हैं उन्होंने सर इलेक्शन कमीशन की बात भी की उन्होंने देखिए मैं एक चीज करता हूं कि अगर गैर आईनी काम हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन डिडंट स्टेप इन, इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल देने बट दे डिडंट स्टेप इन जब आईनी खिलाफ वर्जी हो रही थी उन्होंने बैठ के तमाशा देखा। मैं अर्ज करता हूं डेट अनाउंस करनी है प्रेसिडेंट ने और गवर्नर्स ने और स्केड्यूल देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, स्केड्यूल प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने नहीं देना। तो बहरहाल ये पिंग पोंग खेलते रहे और आज ये और मैं समझता हूं कि ये जजमेंट बड़ी अलार्मिंग है और ये इसलिए जरूरी है कि आइंदा हर 5 साल के बाद यही ना होता रहे जी किसने करना है किसने इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और सलमान अकरम राजा साहब भी चूंकि हमारे साथ हैं, सलमान साहब जो आखिरी इसकी लाइन है मैंने पढ़ी भी जिसमें उन्होंने कहा कि जी आगे ये ना हो, अब ये दरवाजा तो खुल गया है ये आगे ना हो तो उसके लिए क्या एक्शनेबल स्टेप्स होंगे, या ये भी उस वक्त की जो वक्त है उसमें नियत कानूनी सुकम सियासी सूरत हाल बयानिया उसके बाद ही तय होगा। नहीं देखिए जो कुछ हुआ 2023 के दौरान ये कोई नेशनल असेंबली की तहलील के बाद गैर आइनी अमल नहीं शुरू हुआ, जनवरी में जब 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो गई उसके बाद गैर आइनी अमल शुरू हुआ। और बहुत से दोस्त हमारे ये कहते रहे देखे ना जी इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के अगर एक दिन नहीं होंगे तो इलेक्शन पे एतबार नहीं होगा। ये बिल्कुल लग्व गुफ्तगू थी और ये गुफ्तगू हर एक ने तो नहीं की, खैर हम तो एहतजाज करते रहे लेकिन बहुत सो ने की जिनको ये नहीं करनी चाहिए थी। और हमने एक माहौल कायम किया जैसे कि असेंबली की तहलील जो थी सूबाई असेंबली की तो बहुत गैर आइनी अमल था और उस पर आगे अमल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, असेंबली में लोग कहते रहे कि आसमान नहीं गिर जाएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर एक तारीख मुकर्र की तो लोगों ने कहा वज़रा ने कहा कि करा ले सुप्रीम कोर्ट उस दिन इलेक्शन, फिर हम देखेंगे कैसे इलेक्शन होते हैं। तो हमने ये कुछ होते देखा इस साल जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, ये एक तारीख तरीन साल था हमारा आईनी पामालियों के हवाले से। जब 9 अगस्त को सदर मुमलिकत ने असेंबली तहरील की वजीर आजम की एडवाइस पर, उसके बाद उनका फर्ज था कि फौरन वो इलेक्शन की डेट मुकर्रर करते और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उसका ऐलान करना था, मुकर्रर डेट जो है वो सदर नहीं करनी थी आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत, लेकिन नहीं की सदर मुमलिकत ने और इलेक्शन कमीशन ने भी तकाजा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने तावीलें पेश की कि चूंकि अब ये हमने डिलिमिटेशन करनी है सेंसस आ गया है, वजारत कानून ने भी ओपिनियन दी कि सदर की तो ताकत ही नहीं है। तो इस गैर आइनी अमल में हर एक ने हिस्सा डाला है और अतर मिनल्ला साहब ने सिर्फ सदर मुमलिकत को कसूरवार करार नहीं दिया, उन्होंने गवर्नर साहिबान को दिया है, इलेक्शन कमीशन के मायूसकुन रोल पर उन्होंने तबसरा किया है और जो हुकूमत का रोल रहा है पीडीएम हुकूमत का उसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। तो ये सब ने मिलजुल कर और माशरे में जो सो कॉल्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और आईन और कानून के मुहाफिज हैं हर एक ने इस लेकिन सलमान अकरम राजा साहब यहाँ से आगे रास्ता क्या है, ये जो हुआ दरवाजा खुला अब जो नई असेंबली आएगी उसको आके क्या एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी इस सब? नहीं 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 आईनी तरमीम से कुछ नहीं होता, ये तो नियतों की बात होती है ना, अगर आपने आईन को तोड़ना है तो आप आईनी तरमीम को भी तोड़ देंगे। कागज पे लिखी कोई चीज गैर आईनी अमल को नहीं रोकती, गैर आईनी अमल को रोकते हैं अवाम रोकते हैं, जो तबसरा करने वाले लोग हैं वो शर्मसार करते हैं गैर आईनी अमल करने वालों को। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने एक और रास्ता भी दिखाया है, उन्होंने ये कहा है कि अब पाकिस्तान का हर शहरी जो है हाई कोर्ट में जाकर हर जाने का दावा कर सकता है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये गैर आईनी अमल किया जो इसके मुर्तकिब हुए,
उसमें हुकूमत भी आ जाएगी, उसमें इलेक्शन कमीशन भी आ जाएगा, उसमें गवर्नर भी आएंगे, उसमें सदर मुमलिकत भी आएंगे। इन सब की मिली भगत से गैर आइनी अमल हुआ 2023 के दौरान। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि अब किसी को जरूरत नहीं है कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो हाई ट्रीजन संगीन गद्दारी का मुकदमा है उसका इंतजार करे, क्योंकि वो तो हुकूमत ने करना होता है। हर आम शहरी जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, किसी सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है और हरजाना मांग सकता है कि ये अवाम का हक था, ये किसी पार्टी का हक नहीं था, ये अवाम का हक था कि इलेक्शन हो और अवामी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल जो हुकूमत है वो हुकूमत करे। ये अवाम के हक पे डाका डाला गया, ये जो आपने बताया कि इसके आगे का रास्ता दिखाया है, हरजाना तलब करे, ये बहुत बड़ी बात की है। इसके जो इजाफी नोट के अंदर एक और नुकता है पाशा साहब, वो ये है कि जो मौजूदा सेटअप है पंजाब के अंदर केपी के अंदर, उनकी जो आईनी तो खैर मुद्दत के आगे है, उनकी जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सारी इस वक्त उनका स्टेटस, उस पर भी सवाल उठाया कि ये गैर आईनी हुकूमत है। मेरा ख्याल है सिर्फ दो के नहीं, सारी असेंबलियों के स्टेटस पे, सारी हुकूमतों के स्टेटस पे सवाल उठा है कि 90 दिन से ऊपर जो भी गया है वो गैर आईनी है। तो अभी जो फैसले हो रहे हैं, ये जो सारा कुछ हो रही है, क्या ये अभी जो फैसला है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जो हुकूमतें फैसले कर रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, हुकूमतों ने, हुकूमतें जब एक ओथ लेके वो आए हुकूमतों ने, तो आगे डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं, रुक नहीं सकता। मसलन कोई प्रोसिक्यूशन करनी है, कोई FIRs करनी है, कोई ट्रायल करना है, कोई तरक्याती काम जहां पे जो बड़े जरूरी हैं, गवर्नमेंट टैक्स चेकर का नुकसान होता है, ये सारी चीजें अगर रुक जाएं तो सारा पे या मुमलिकत का जाम हो जाता है। तो ये डे टू डे अफेयर्स तो चलाने होते हैं। इलेक्शन बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर कराएं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो डे टू डे अफेयर्स है वो भी उन्होंने चलाने हैं। एक जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अतर मिनल्ला साहब ने, वो ये की है कि जो इस्तिस्ना वाली हर्डल है उसको भी क्रॉस कर दिया जाए, उसको भी स्किप कर दिया जाए और आर्टिकल 6 इन्वोक किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सदरे मुमलिकत के लिए भी उन्होंने ये लिख दिया कि ये आर्टिकल 6 के उसके जुमरे में आ सकते हैं, गवर्नर्स आ सकते हैं, तो इस तस्नाव वाली बात को आप साइड पे रखें, ये इतना संगीन मामला है। और दूसरी बात जो सबसे अहम की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने वाले को भी मामलात को उसमें भी ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रॉपर, हमारा भी यही था उस वक्त भी वर्षन ये था कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला कर दिया, बड़ा ठीक फैसला किया, ICA पेंडिंग थी, एट द मोस्ट आप कह सकते थे जी ICA में जी वो डिवीजन बेंच जल्दी फैसला कर दे। सर, ये तो मेरा इसके ऊपर पोजीशन ये है कि ये तो काम अदालतों के करने के ही नहीं है ना, ये तो जो बाकी इदारे हैं, जो आईनी सरबराहान हैं, उनके करने के हैं। गवर्नर साहब तारीख दें, सदर साहब तारीख दें, इलेक्शन कमीशन काम करे, ये मामला अदालत में जाए क्यों? देखें, ये उस वक्त ये सियासतदानों का फेलियर है जी जी कि वो अपने मामलात कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है जी, सलमान साहब आप भी यही कह रहे हैं कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब नहीं है इनएक्शन है तो फिर जाते हैं ये मामला अदालत में। नहीं, जाहिर है जी, कोई भी मामला अदालत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मामलात अदालतों में इसीलिए जाते हैं कि लोग अपने फराइज सर अंजाम नहीं देते या अपने मायदों पर अमल नहीं करते या कोई गैर कानूनी अमल करते हैं। तो जब इस साल ये गैर कानूनी अमल हुआ तो मामला अदालत में गया और दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया ये तो सियासी बात है, अदालत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब 90 दिन में आप इलेक्शन नहीं करा रहे और अलग ऐलान कर रहे हैं आप और बड़ी जोर शोर से कह रही हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, करा के देख ले जो करा सकते हैं, तो फिर अदालत ने ये दखल देना था ना। इसलिए ये जो कुछ हुआ गलत हुआ और आइंदा भी ये होगा अगर अवाम उठेंगे नहीं इसके खिलाफ, अगर अवाम अपना रिएक्शन नहीं शो करेंगे कि ये एक गैर आइनी अमल था, हम हर बार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जरूरी है कि आइन के मुताबिक अमल के हवाले से लोगों में शऊर हो, क्या चीज गैर आईनी है और अगर कुछ गैर आईनी होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन साहब पाशा साहब प्रोग्राम से में थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे गजा के तनाजे के हवाले से सोशल मीडिया ने किस तरह से ग्लोबली नैरेटिव को चेंज कर दिया, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा में 7 हफ्तों से होने वाली जो ये एक जंग का सूरत हाल है उसमें कुछ वक्त के लिए एक पॉज आया है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया गया है चंद दिनों का, जिसमें तमाम जो हॉस्टेजेस हैं फलस्तीनी साइड से और
इसराइल की तरफ से उनका एक्सचेंज किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी कशीदगी के दौरान जो ह्यूमन लाइफ का टोल है वो क्या है, क्विकली हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरी जंग का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, खैर इसको एक जेनोसाइड अब हम बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की स्टेट भी कह रही है। इसमें इसराइल की जो डेथ टोल है वो देखिए 1200 है और गजा में कम अज कम 14,854 लोगों की शहादतें हुई हैं और वेस्ट बैंक में अलहदा इसके जो है वो शहादतें हुई हैं। सो जो लोग जख्मी हैं वो इसराइल की तरफ कितने हैं, 5,000 के करीब, जबकि अगर हम फलस्तीन की बात करें तो कई गुना ज्यादा, यानी 36,000 के करीब वहां पर लोग जख्मी हैं। और जो वेस्ट बैंक है जहां पे कोई लेना देना नहीं था इस पूरे तनाजे का, वहां पर भी इस वक्त 2,750 लोग जख्मी हैं। इसमें जो दिलचस्प पहलू है कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया ने पूरा बयानिया बदला है, आपको हम जानते हैं कि इसराइल के पास सरमाया है, उनके पास पीआर कंपनियां हैं, उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई चेन है, पैसे की भी और रिसोर्सेज की भी, और वो पूरा झोंका गया एक नैरेटिव बनाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर फलस्तीनी नौजवानों ने और दुनिया में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं किस तरीके से उस पूरी पीआर मूवमेंट को पछाड़ के रख दिया, ये लम्हा फिक्रिया है दुनिया भर के मीडिया के लिए भी। और हर मुल्क के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया मेन पॉपुलर नैरेटिव जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया सेट करता है उसको चैलेंज कर रहा है, यही हमने सब कुछ होता हुआ देखा है गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, और उसके बारे में बाकायदा खबरें लगी। अल जजीरा की खबर देखिए जिसमें वो कहते हैं कि बिलियनियर्स आर टीमिंग अप फॉर प्रो इसराइल एंड एंटी हमास मीडिया ड्राइव, यानी कि पैसा झोंका जा रहा है यहाँ पे जो अरबपति लोग हैं यहूदी उनकी तरफ से, और वो प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइली जो प्रोपेगेंडा है वो नाकाम हो गया सोशल मीडिया की वजह से, वो लोग उससे कन्विंस नहीं हो पाए, और जो सच बात थी, हक बात थी, उसको जिस तरीके सोशल मीडिया पे पजीराई मिली और फिर लोगों को नजर आया किस तरह से गासिब और एक ऑक्यूपायर का रोल इसराइल ने किया है अदा, ये सोशल मीडिया की ताकत से हुआ है और मेन स्ट्रीम मीडिया की जो नैरेटिव सेटिंग को चैलेंज किया गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, कल दुआ होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।